सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन आफ्टर अ क्विक सिप ऑफ वाटर। और फिर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम ई। प्रॉब्लम ई मैं सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। मैं जस्ट ये बताने वाला हूँ एक ब्यूटीफुल तरीके से कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? सो टेक योर टाइम टू रीड द प्रॉब्लम। आई विल काउंट टू फाइव, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो मैं हूँ ना, हमारा फेवरेट टेक्स्ट बॉक्स ले आता हूँ एंड सी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1, 2, 3। ओके, आई एम सॉरी, व्हाट हैपेंड हियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज यहाँ पे एक नंबर है 6, मे बी लेट्स जस्ट से नॉट 6, हियर 2 है, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सपोज यहाँ पे भी एक 2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है, ये जो एरे है ये सॉर्टेड नहीं है ना, इसको सॉर्टेड बनाना है। सॉर्टेड बनाने के लिए क्या करो, जो पहला एलिमेंट है ना उसको निकालो, लास्ट में डालो और तब तक आगे बढ़ते जाओ जब तक मेरा ये जो पिछला एलिमेंट है, मेरा जो अगला एलिमेंट है वो मुझसे बड़ा ना हो जाए, मुझसे छोटा ना हो जाए। तो अभी मैं यहाँ पे आया था, मेरा पिछला एलिमेंट 2 मुझसे छोटा है क्या? नहीं। तो बढ़ो आगे, 4 मुझसे छोटा है क्या? नहीं। तो बढ़ो आगे, 2 मुझसे छोटा है क्या? नहीं। तो बढ़ो आगे, तो फिर से 1 मुझसे छोटा है क्या? हाँ। तो रुक जाओ, क्या एरे सॉर्टेड हो गया? हाँ। तो इसी तरीके से आपको करना है कि व्हाट यू नीड टू डू इज़, अगर एरे अभी भी सॉर्ट नहीं हुआ होता, मान लो यहाँ पे 6 होता, तो फिर से ये 2 यहाँ पे आ जाता लॉजिकली। बट मैं बस समझा ये रहा हूँ कि अब मान लो यहाँ पे 6 है, तो फिर 6 को लेके जाओ लास्ट में और पूछो क्या तुम मुझसे छोटा है। हाँ, मुझसे छोटा है, तो ठीक है मैं यहीं पर रुक जाऊँगा। इसी तरीके से बेसिक फंडा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इज़, 3, 1, 2, 4, 5 ऐसा कुछ है ना। तो जब मैं पहला एलिमेंट पॉप करूँगा ना, तो वो क्या करेगा पता है, चुपचाप अपनी ओरिजिनल जगह पे जाके बैठ जाएगा, जहाँ उसको होना चाहिए एरे में। वो क्या करेगा, चुपचाप अपनी ओरिजिनल जगह पे जाके बैठ जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बहुत कुछ दिया है कि वो लास्ट में जाएगा, फिर वो आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, बट मैं सिंपली से क्या कह रहा हूँ, वो अपनी ओरिजिनल जगह पे जाके बैठ जाएगा जहाँ उसको होना चाहिए एरे में, सॉर्टेड एरे में, ठीक है? अब देखो, मुझे बताओ इस एरे को सॉर्ट करने के लिए आपको कितने स्टेप्स लगेंगे? आप बोलोगे यार बहुत सिंपल है, 0, क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है। बहुत बढ़िया। अब मैं बोल रहा हूँ इस एरे को सॉर्ट करने के लिए आपको कितने लगेंगे? तो आप बोलोगे 1, क्योंकि मैं 3 को जब सॉर्ट करूँगा, 3 को पॉप करूँगा, तो 3 अपने आप अपने ओरिजिनल पोजिशन पर पहुँच जाएगा, तो पूरा एरे सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है? अब मैं बोल रहा हूँ इस एरे को सॉर्ट करने के लिए आपको कितने लगेंगे? तो आप बोलोगे 3 को सॉर्ट करूँगा, वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, फिर 2 को सॉर्ट करूँगा, वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो मुझे टोटल 2 स्टेप्स लगेंगे, ठीक है? अभी एक बात समझो, आप कर क्या रहे हो पता है? अब मान लो ये है 3, 2, 4, 1, 5 ऐसा है। अब इसको कितने स्टेप्स लगेंगे? तो आप बोलोगे अच्छा, पहले मैं 3 को जाके पॉप करूँगा, 3 अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, फिर मैं 2 को पॉप करूँगा, वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा, फिर मैं 4 को पॉप करूँगा, वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो मुझे 3 स्टेप्स लगेंगे। तो कहीं ना कहीं आरेंट यू डूइंग इट कि यू आर काउंटिंग कि कौन से पोजिशन पे अनसॉर्टेड है, मतलब कौन सी पोजिशन तक अनसॉर्टेड है, किस पोजिशन के बाद पूरा एरे सॉर्टेड है। 3 पोजिशन तक अनसॉर्टेड था, 3 के बाद पूरा एरे सॉर्टेड था, तो हमने हमारा आंसर क्या प्रिंट कर दिया, 3। प्रिटी सिंपल प्रॉब्लम, राइट? जैसे अभी ये वाला केस देख लो, इस वाले का आंसर आप बताओगे, मुझे नहीं पता, यू विल से द आंसर। सी हियर, 4, 5 कितने स्टेप्स लगेंगे? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 के बाद 5 सॉर्टेड लग तो रहा है, 5 के बाद 3 सॉर्टेड नहीं है, अच्छा 3 के बाद 7 सॉर्टेड लग तो रहा है, 7 के बाद 8 सॉर्टेड लग तो रहा है, पर 8 के बाद 6 सॉर्टेड नहीं है, ओके 6 के बाद 2 सॉर्टेड नहीं है, पर 2 के आगे से तो सॉर्टेड है, तो 2 के आगे तो सॉर्टेड है क्योंकि वो बेचारा अकेला एलिमेंट है। तो इससे पहले कितने एलिमेंट है, 6। तो क्या इसका आंसर 6 है? अरे हाँ, इसका आंसर तो 6 है, सो वी गॉट अवर आंसर, राइट? अब एक और टेस्ट केस देख लेते हैं, इसके इसका आंसर क्या होगा। तो आप बोलोगे कि अच्छा, 4 के बाद 3 सॉर्टेड नहीं है, 3 के बाद 1 सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, 1 के बाद 2 सॉर्टेड है, 2 के बाद 6 सॉर्टेड है, और 6 के बाद 4 सॉर्टेड नहीं है। तो 6 के बाद 4 सॉर्टेड नहीं है, पर 4 के आगे सब कुछ सॉर्टेड है, ओके, क्योंकि 4 अकेला है बेचारा, वो तो सॉर्टेड ही होगा। तो इससे पहले कितने हैं, 5 एलिमेंट, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5, राइट? अब इसका आंसर चेक करोगे तो आंसर क्या है, -1।
मतलब क्या कोई ऐसा भी केस आ सकता है जहाँ पे वो पॉसिबल ना हो? अभी माइनस वन वाला केस हम लोग हैंडल करेंगे, समझेंगे, बट अभी के लिए वो वाला केस समझ में आया क्या, जहाँ पे हम लोग आंसर तक जा रहे हो? कैसे जा रहे हैं? जहाँ से एरे सॉर्टेड है उसके पहले जितने एलिमेंट्स है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये तो वो केस आएगा, आंसर जिस केस में आने वाला है वो केस तो आएगा, समझ में आ ही गया होगा। नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर द केस ऑफ माइनस वन। अब माइनस वन वाले केस को कैसे हैंडल करना है? सो सी, मैंने इसी चीज़ के लिए ना पहले एक बहुत अच्छा सा ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दिया था, फील करवाया था कि वो जा कहाँ रहा है। सी, मुझे बताओ, फोर को मैं पॉप करूँगा, वो कहाँ जाएगा? अपनी पोजिशन पे, विच विल बी, आई गेस विच विल बी हियर। थ्री को मैं पॉप करूँगा, वो कहाँ जाएगा? वो अपनी पोजिशन पे जाएगा, विच विल बी हियर। वन को मैं पॉप करूँगा, वो कहाँ जाएगा? यार जब मैं वन को पॉप करूँगा ना, वो अपनी पोजिशन पे जाएगा, विच विल बी, वो यहाँ से स्टार्ट करेगा और आगे आएगा, 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 वो फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा, वो फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाएगा। फिर से पॉप करोगे, फिर से वही होगा, वो एंड में जाएगा, फिर से घूमते 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 फिर से स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। तो मतलब क्या हो रहा है कि वन पे जब हम पहुंच जा रहे हैं तब हम उसके आगे कुछ भी कर ही नहीं पा रहे, और अभी हमारा एरे करेंटली सॉर्टेड नहीं है क्योंकि ये सॉर्टेड नहीं दिख रहा। तो हमें ऐसा केस ढूंढना है जहाँ पे स्टार्टिंग में वो एलिमेंट आ जाए जो कि घूम फिर के फिर से स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वो स्टार्टिंग से हमने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आ गया बेचारा, वो एंड में गया, हमने सोचा कि ठीक है एंड में गया, वो अपनी पोजिशन पे आएगा, पर उसी पोजिशन फिर से क्या निकली, फिर से स्टार्टिंग वाली निकली, तो फिर से वही एलिमेंट आ गया। तो एंड सो ऑन करते करते हम कभी भी वो कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो फिर से उसको पॉप करेंगे, फिर से लास्ट में जाएगा, फिर से स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो बेसिक फंडा यही है कि हम लोग को ऐसा एलिमेंट अगर मिल गया जो कि घूम फिर के फिर से स्टार्टिंग में आ जा रहा है तो हम लोग शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा एलिमेंट कौन से केस में आएगा? तो फिर से यही वाला टेस्ट केस उठा के देख लेते हैं, वी हैव ऑलरेडी रिटन इट। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, अगर तो कभी ऐसा हो जाए, अगर तो कभी ऐसा हो जाए कि मेरे बाद, अभी देखो फोर के बाद, फोर के बाद कोई फोर से छोटा एलिमेंट है क्या? हाँ, वन और टू है, मतलब फोर को बीच में रोकने के लिए कोई तो था, टू ने रोक दिया। थ्री के बाद थ्री से कोई छोटा एलिमेंट है क्या? हाँ, वन और टू है, तो थ्री को भी रोकने के लिए कोई एलिमेंट था, टू, जिसने थ्री को रोक दिया। वन के बाद कोई छोटा एलिमेंट है क्या? नहीं, तो वन को कोई रोकेगा क्या? नहीं, तो वन किस में आ जाएगा? स्टार्टिंग में। तो बेसिकली हमें क्या चेक करना है, पर्टिकुलर एलिमेंट के बाद कोई छोटा एलिमेंट है या नहीं। अगर है तो क्या होगा? ठीक है, अगर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? हमारा आंसर पॉसिबल नहीं होगा, राइट? तो थोड़ा और, हाँ, तो हर एलिमेंट के बाद हम क्या चेक करेंगे कि हमसे कोई छोटा एलिमेंट है या नहीं। अब ये चेक करने के लिए हम वी कैन मेंटेन अ सफिक्स मिनिमम एरे, सफिक्स मिनिमम एरे रख दो। तो ऐसे सफिक्स मिनिमम एरे कैसा दिखेगा? यहाँ तक वन होगा, ओरिजिनल एरे ले लेते हैं जस्ट टू अगेन। सो सफिक्स मिनिमम एरे कैसा दिखेगा? यहाँ तक वन आएगा, यहाँ तक भी वन आएगा, यहाँ तक भी वन आएगा, यहाँ तक टू आएगा, यहाँ तक फोर आएगा, यहाँ तक सिक्स आएगा। अभी देखो, जब हम फोर पे हैं तो मुझसे छोटा कोई है क्या? हाँ है, तो मतलब क्या, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम थ्री पे आए, मुझसे छोटा कोई है क्या? हाँ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वन पे आए, मुझसे छोटा है क्या कोई? नहीं, तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ से प्रॉब्लम है, पर हो क्या सकता है कि मान लो यहाँ पे ये फोर ना होता तो यहाँ से प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे फिर सिक्स हो जाएगा, बट यहाँ से प्रॉब्लम तो है, बट लॉजिकली यहाँ के बाद एरे सॉर्टेड है, तो प्रॉब्लम होने के बाद भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या होगा इस केस में कि फोर आएगा और बोलेगा मुझे अपनी जगह बताओ मैं कहाँ पे हूँ, वो यहाँ आके बैठ जाएगा। फिर थ्री आएगा और बोलेगा अच्छा मुझे भी मेरी जगह बताओ मैं कहाँ पे हूँ, वो यहाँ आके बैठ जाएगा। फिर वन पे जब तक हम आएंगे तब तक एरे ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका होगा। तो बेसिकली हमें क्या बोल देना है कि अगर जिस पोजिशन के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है उसके बाद अगर कोई अनसॉर्टेड मिला तो हमें क्या कर देना है? माइनस वन कर देना है, एल्स हम लोग का जो आंसर होगा वो आंसर प्रिंट कर देना है। आंसर हमने पीछे निकाला हुआ है, तो अगर किसी को आंसर कैसे निकालना है इसमें डाउट है तो वीडियो को फिर से स्टार्टिंग में जाके देख लो। अभी के लिए माइनस वन वाला केस समझ में आया या नहीं? अगर कभी भी हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिल गया जिससे छोटा एलिमेंट नहीं है राइट में, मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता, वो फिर से बेचारा घूम फिर के फर्स्ट पोजिशन पर आ जाएगा, तो फिर वो तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो भी चलेगा। अगर किस केस में चलेगा? जहाँ पे उसके पास सारे एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड हो तो
कोई पॉइंट ही नहीं है फिर उसको सॉर्ट करने का। पर अगर उसके बाद एलिमेंट सॉर्टेड ना हो, जैसे ये वाला केस, तो इस केस में क्या होगा कि ये जो वन है वो फिर से घूम फिर के यहीं पे आ जाएगा, और ये पूरा इसके आगे वाला जो पार्ट है वो कभी सॉर्ट हो ही नहीं पाएगा। सो वी वोंट गेट अवर आंसर। सो आई होप माइनस वन वाला केस समझ में आया होगा। इफ़ नहीं तो फिर से इसको ड्राई रन करके देखो, अच्छे से वीडियो को रीवॉच करो, ड्राई रन करके देखो, यू विल गेट अ बेटर आइडिया अबाउट इट। सो नाउ आई विल स्टार्ट टू राइट द कोड ऑफ इट। कोड अगेन बहुत सिंपल सा कोड होगा इसका, सिर्फ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमें सफिक्स मिनिमम निकालना है। सो लेट्स मेक द सफिक्स मिनिमम एरे, और सफिक्स है तो लास्ट एलिमेंट से ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे। एंड लेट्स ट्राई टू फिल द एरे विथ एन माइनस टू आई ग्रेटर एन इक्वल टू आई माइनस माइनस, देन सफिक्स मिनिमम ऑफ आई विल बी मिनिमम ऑफ सफिक्स मिनिमम ऑफ आई प्लस वन एंड एरे ऑफ आई, राइट। ये चीज़ हो गई। इसके बाद हमें लास्ट इंडेक्स वो चाहिए जहाँ पे हमारा एरे सॉर्टेड नहीं, तो इनिशियली उसको ज़ीरो रख दो फॉर एल एल आई इक्वल टू वन आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और हम क्या बोलेंगे कि इफ हमारा एरे ऑफ आई इट इज़ लेस देन एरे ऑफ आई माइनस वन, अगर ऐसा होता है कि वो लेस देन है, ठीक है, अगर वो लेस देन है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है, यहाँ तक हमारा एरे सॉर्टेड नहीं है। अब एक बात और, हाँ, अब यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, अब तक ऐसा कहीं वो इंडेक्स तो नहीं आ गया ना जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तो स्टार्टिंग में हम फ्लैग को ट्रू रख देते हैं, और हम क्या करते हैं, अगर वो इंडेक्स में वो प्रॉब्लम कब आएगी, इफ़ सफिक्स ऑफ मिनिमम ऑफ आई इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू करेंट एलिमेंट, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से प्रॉब्लम है, कि अब यहाँ से प्रॉब्लम है, अब नहीं चलेगा। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और ऐसा कंडीशन आ गया जहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, तब तो सी आउट कर दो माइनस वन। आई होप ये समझ में आएगा सिंपल सा। ये कौन सी केस है, प्रॉब्लम स्टार्ट्स हियर, प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। और ये कौन सा केस है, इफ़ प्रॉब्लम हैज़ ऑलरेडी अकर्ड एंड स्टिल नॉट सॉर्टेड, एंड स्टिल सॉर्ट नहीं हुआ, तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे, माइनस वन प्रिंट कर देंगे। एंड दैट्स इट आई गेस। फिर लास्ट में सी आउट कर देते हैं आंसर। आंसर क्या है, वो इंडेक्स जहाँ पे सॉर्टेड नहीं था, लास्ट हमें सॉर्टेड नहीं मिला था। तो लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस, और बहुत चांसेस है कि गलत हो सकते हैं। वी आर जस्ट डूइंग अ ट्रायल रन क्योंकि ये कॉन्टेस्ट तो है नहीं, तो अगर रॉन्ग भी हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बट आई गेस इट इज़ राइट। ओके, आई डोंट नो, अगर ये राइट हो गया तो वेल एंड गुड, बट स्टिल इट इज़ जस्ट ट्रायल सबमिशन। अगर एक्सेप्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया, इफ़ नॉट देन वी विल चेक कि हमारा क्या मिस्टेक है। बट सिंपली मतलब एक्सप्लेन करते करते लिखने में कोड यही होता है, लाइक इसको कॉन्टेस्ट में लिखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट नाउ आई एम वाइल एक्सप्लेनिंग तो बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ, रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट टू। ओके, तो वी आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर ऑन टेस्ट टू। हमने मिनिमम निकाला, एक गेस हमने मिनिमम सब फिक्स मिनिमम सही निकाला है, आंसर को हमने जीरो से इनिशलाइज किया है, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ नॉट सॉर्टेड तो हमने आंसर इक्वल टू आई कर दिया है। इफ़ एट एनी स्टेप सफिक्स ऑफ मिनिमम ऑफ आई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू एरे ऑफ आई तो एफ को फॉल्स करती है, एंड ठीक है, लेट्स एज्यूम एक पूरा सॉर्टेड टेस्ट केस आ जाएगा। तो हम कौन सा केस मिस कर, दैट इज़ माई क्वेश्चन। सपोज़ पूरा ही सॉर्टेड आ गया कि सब कुछ ही सॉर्टेड है, तब क्या होगा, वो आएगा चेक करेगा, वो इस कंडीशन में कभी जाएगा ही नहीं, और हमारा आंसर हमेशा ज़ीरो ही रह जाएगा, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। Everything looks fine to me. Everything looks fine. Everything looks fine. LLI इक्वल टू वन आई लेस देन एन, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है इसमें भी क्या मिस्टेक हुई है, सो यू कैन पिन पॉइंट इट इन द कॉमेंट्स में, लिख के बता सकते हो कि यार हाँ, दिस इज़ द मिस्टेक आई एम डूइंग इन द
सॉल्यूशन एज ऑफ नाउ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी मिस्टेक क्या हुई है, बट या वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द मिस्टेक एंड एवरीथिंग लुक्स फाइन टू मी. आई डोंट नो, लेट्स ओके ड्राई रन करके देखते हैं. वो मिनिमम पे आया, उसने सफिक्स मिनिमम निकालने में तो कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है एज़ फार एज़ आई कैन सी. सबमिशन सफिक्स मिस्टेक निकालने में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है. ओके राइट 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 राइट. सपोज 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 नाउ हियर, यहाँ हमने चेक कहाँ से किया है? प्रॉब्लम स्टार्ट हियर वाला ये हमने चेक किया है फर्स्ट इंडेक्स से, बट वी स्टिल हैव नॉट चेक दी जीरोथ इंडेक्स. तो अगर ऐसा हो जाएगी सफिक्स मिनिमम ऑफ जीरो वही ग्रेटर देन इक्वल टू एरे ऑफ जीरो हो जाए तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम हो जाएगा. अब ये कौन सा केस है मैं समझाता हूँ, जस्ट एक मिनट समझाता हूँ. सी हियर, मान लो ये एरे, तो फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम है ना कि ये जो वन है ये घूम फिर के फिर से यहीं पे आने वाला है. बट हम जब ये कोड लिख रहे हैं तो हम चेक कौन से इंडेक्स से कर रहे हैं? फर्स्ट इंडेक्स से. तो हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, बट इस इंडेक्स के लिए हमने चेक नहीं किया, तो इस इंडेक्स के लिए अलग से चेक करके उसको एफ को फॉल्स बना देंगे हम लोग. सो या एंड मुझे लगता है मतलब ट्राई रन करके तो फ़ायदा नहीं है बिकॉज सैम्पल टेस्ट केसेस पहले भी पास हो रहे थे. सो या लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस. It's Q short, short and it's submitting this problem. My laptop is discharge ho raha hai. Okay, I need to put it in the charging mode. Or my internet ko kya hua? I don't know. Let's try. बट आई गेस नाउ इट विल बी एक्सेप्टेड, या फिर हो सकता है अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो. सो वी विल जस्ट वेट फॉर अ मिनट. क्या हुआ क्या हुआ इंटरनेट को क्या हुआ? एवरीथिंग सीम्स फाइन टू मी, माय इंटरनेट इज वर्किंग और नॉट. अरे इस टाइम पे प्रॉब्लम क्यों आ गई है? सो आई गेस कोड फोर्सेस की साइड डाउन हो गई, समथिंग लाइक दैट. लेट्स ओपन अनदर पेज. ओके इट इज वर्किंग नाउ. सो इट इज रनिंग ऑन टेस्ट केस वन एंड इट इज एक्सेप्टेड. सो या दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम नंबर ई. नाउ वी विल स्टार्ट विद द एफ प्रॉब्लम. थैंक यू.